हेलो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप आई एम प्रदीप कुशवाहा स्टूडेंट आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रोज द हेरिटेज ऑफ इंडिया भारत की विरासत इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेशन लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं वीडियो को ध्यान से देखना है समझना है प्रैक्टिस करना है और इस पैराग्राफ के इस बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत संभावना है तो इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं रीड करने के बाद ही हमको पता लगाना होता है कि यह किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है तो पहले इसको एक बार रीड करते हैं मच दैट वॉज यूजलेस इन एंसेंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिश्ड द एक्स्ट्रा वेगेंट एंड बर्बरस हैक्टम्स ऑफ द वैदिक एज हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉ दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूस इन समट्स तो हम समझ रहे हैं कि ये द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो कि ए एल बॉसम जी के द्वारा लिखा गया है भारत की विरासत इसे लिया गया है तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि मस्ट दैट वॉज वेस्ट यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ट कहते हैं कि वैदिक काल की जो निर्दयी प्रथाएँ थीं जो उनके लिए आवश्यक नहीं थी वह आज पहले से ही अदृश्य हो चुकी हैं गायब हो चुकी हैं तो कहते हैं कि मस्ट दैट वाज यूजलेस वह चीज़ें जो अनावश्यक थी इन एंशियंट इंडियन कल्चर प्राचीन भारतीय संस्कृति में हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ट वह पहले ही गायब हो चुकी हैं और द एक्स्ट्रा वेगेंट एंड बॉर्बरस हैक्टम्स कहते हैं द एक्स्ट्रा वैगेंट जो फिजूल खर्ची थी अत्यधिक खर्च करना था और बॉर्बरस हैक्टम्स और जो कुप्रथाएँ थी ऐसे कुप्रथाएँ थी वैदिक एज वैदिकज में है लॉन्ग सिंस बीन फॉर गेटेन वह पहले ही लोगों के द्वारा भुलाई जा चुकी हैं दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सेक्ट्स से, लेकिन कुछ कुछ जातियों में या कुछ संप्रदायों में अभी भी पशु बलि चल रही है पशु बलि जारी है और विडोज हैव लॉन्ग सिंस सीज टू बर्न ऑन देयर हसबेंड्स प्रेज विधवाओं को पहले ही अपने पति की चिताओं के साथ जलने से रोक दिया गया है गर्ल्स में नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड आज कानून के अनुसार महिलाओं का भी लड़कियों का भी बाल विवाह रोक दिया गया है इन बसेज एंड ट्रेनस बस में और ट्रेनों में ऑल ओवर इंडियन पूरे ब्राह्म पूरे ऑल ओवर इंडियन पूरे भारत में ब्रह्मा ब्राह्मण रब्स सोल्जर्स सोल्डर्स ब्राह्मण लोग अपने कंधे को रगड़ कर चलते हैं विद द लोवेस्ट कास्ट नी निम्न श्रेणी के लोगों के साथ विथआउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन बिना किसी छुआछूत के भेदभाव के एंड टेम्पलेट्स ऑफ ओपन ऑल बाइट कहते हैं टेम्पल्स आर ओपन और मंदिरों को खोल दिया गया है टू ऑल सभी के लिए बाय लॉ कानूनन और कहते हैं कानूनन मंदिरों को भी हर धर्म के हर जाति के लोगों के लिए भी हर संप्रदाय के लोगों के लिए खोल दिया गया है कोई भी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर सकता है कोई भी हिंदू किसी भी जाति का किसी भी निम्न श्रेणी का व्यक्ति भी उच्च श्रेणी के व्यक्ति के साथ बसों में सफ़र कर सकता है ट्रेनों में सफ़र कर सकता है और हर पवित्र स्थान पर जा के ईश्वर की आराधना कर सकता है तो गाइज़ ये तो था आपका इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जानेंगे इसका रेफरेंस कैसे होता है तो रेफरेंस के लिए मैं लास्ट की वीडियो में भी रेफरेंस दे चुका हूँ उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं ये रेफरेंस लिखा हुआ है सामने आप रेफरेंस देख सकते हैं ये रेफरेंस हम लोगों को किस उस लेसन में कोई भी रेफरेंस होना है रेफरेंस आपका वही रहता है जैसे एक बार देख लेते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटर्न बाय ए एल बॉसम लेसन अगेन दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटर्न बाय ए एल बॉसम ये पंक्तियाँ द हेरिटेज ऑफ इंडिया से ली गई हैं जिनके लेखक ए एल बॉसम जी हैं कॉन्टेक्स्ट की बात करें कॉन्टेक्स्ट ये सामने लिख दिया है मैंने इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स द चैलेंजेस इन द ओल्ड या बैड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया कहते हैं यहाँ इन पंक्तियों में ऑथर ने वर्णन किया है द चेंजेस बदलाव इन द ओल्ड ट्रेडिशंस ऑफ़ कश इंडिया भारत की पुरानी परंपराओं का लेखक ने यहाँ पर भारत की पुरानी परंपराओं में हुए बदलाव के बारे में वर्णन किया है हम लोग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन के लिए हमको एक बार उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है इसके बाद उसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में इंग्लिश में देना होता है तो हम लोग उसको पढ़ चुके हैं अब हम लोग लिख सकते हैं कि दाथर राइट्स दैट लेखक लिखते हैं कि मेनी ऑफ द डेविल्स ऑफ एंसियट बहुत सारे ईवल्स बुराइयाँ ऑफ़ द एंशंट इंडियन कल्चर प्राचीन भारतीय परंपरा के आर नाउट आर नाउ नो मोर इन प्रैक्टिस अब वास्तव में अभ्यास में नहीं हैं लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि भारतीय संस्कृति के बहुत से प्राचीन जो बुराइयाँ थीं अब अभ्यास में नहीं हैं प्रैक्टिस में नहीं हैं प्रचलन में नहीं हैं देर हैड बीन सर्टेन बार्बरिक ट्रेडिशंस ऑफ पब्लिक सेक्रीफाइज कहते हैं देयर हैड बीन सर्टेन बारबरिक ट्रेडिशंस ऑफ पब्लिक सेक्रीफाइज इन द एज जो भी वैदिक युग में इस प्रकार से कुप्रथाएँ थीं गलत प्रथाएँ थीं जैसे विडोज वेयर फोर्स टू डाई ऑन द बर्निंग प्रेयर पेयर ऑफ देयर हस्बैंड जैसा कि महिलाओं को अपने जलती हुई पति की चिता के साथ ही जल जाना पड़ता था और, और चाइल्ड मैरिज वॉज इन वैग्यू द गर्ण और बच्चियों की शादी बचपन में ही हो जाया करती थी बट ऑल दीज एवियस ट्रेडिशन्स आर नाउ नो मोर इन फैशन इन मॉडर्न इंडिया लेकिन आज आधुनिक भारत में ये बुराइयाँ आज हमें हमारे फ़ैशन में नहीं हैं और द ओल्ड कस्टम्स ऑफ अनटचबिलिटी हैज़ ऑल्सो सीज्ड टू एग्जिट इन इंडिया भारत में जो छुआछूत की भावना थी धीरे धीरे अब वह भी कस्टम में नहीं है वह भी हमारे रीति रिवाज में नहीं है द अपर कास्ट पीपल डू नॉट हेट द टच ऑफ लोअर कास्ट पीपल उच्च श्रेणी के लोग उच्च जाति के लोग अब निम्न जाति के लोगों के साथ टच करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उन्हें छू लेने से उन्हें कोई समस्या नहीं होती है दे ट्रेवल इन द सम बसेस एंड वर्शिप इन द सेम टेम्पल टुगेदर वे एक साथ बसों में यात्रा करने लगे हैं और एक ही मंदिर में एक साथ पूजा पाठ भी करने लगे हैं इस प्रकार से आज हमारे भारत का संपूर्ण चेहरा बदल रहा है और यह उम्मीद है कि आने वाले सालों में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और हमारा देश फिर से विश्व गुरु कहलाएगा सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो जय हिंद जय भारत